नमस्कार, किरण माहेश्वरी कुकिंग एक्सपर्ट .com में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही बढ़िया डेजर्ट की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। डेजर्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप 12 से 13 बिस्किट ले लें। मैंने मैरीगोल्ड बिस्किट लिए हैं, आपके घर में जो भी बिस्किट है वो आप ले सकते हैं। आप एक ग्राइंडर जार ले लें, उसमें इन बिस्किट के टुकड़े करके डाल दें। और इसका फाइन पाउडर बना लें। मैंने बिस्किट का फाइन चूरा कर लिया है। अब आप इसमें 2 चम्मच मेल्टेड बटर डाल दें, इसकी जगह आप घी भी उसमें ले सकते हैं। और इसे एक बार फिर से चर्न कर लें। मैंने इसे फिर से एक बार चर्न किया, आप देख सकते हैं इसमें हल्की सी बाइंडिंग आ चुकी है। मैंने बिस्किट के चूरे को बाउल में निकाल लिया है। अब आप एक दूसरा बाउल ले लें और उसमें 1 चम्मच चूरा निकाल लें अलग से और इसे अलग रख दें। अब आप जिसमें डेजर्ट बनाना चाहते हैं वो एक बॉक्स ले लें या ट्रे ले लें, उसमें बिस्किट का चूरा डालें और इसे पूरे में फैला दें। मैंने इसे पूरे बॉक्स में फैला लिया है। अब आप इसे हल्के हाथों से प्रेस कर दें। मैंने इसे अच्छे से सेट कर दिया। अब आप इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। आप एक पतीला लें, उसमें 1/2 कप व्हिपिंग क्रीम डाल दें। क्रीम आप एकदम चिल्ड लें। अब या तो आप इसे हैंड विस्कर से या इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लें। धीरे धीरे ये क्रीम थिक होने लग जाएगी। अभी थोड़ा सा इसे और बीट करें। ये क्रीम को अच्छे से फेंट लिया है। अब एक आम ले लें और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लें। इसमें से थोड़े से टुकड़े मैं दूसरे बाउल में ले रही हूँ गार्निशिंग के लिए। बाकी के कटे हुए आम को आप इस क्रीम में मिला लें। इसकी जगह आप दूसरे फ्रूट्स भी यूज में ले सकते हैं, आपके पसंद का कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हैं या इसके बगैर भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम सामान में बहुत ही बढ़िया डेजर्ट तैयार होता है, आप एक बार जरूर ट्राई करें। बिस्किट भी अच्छे से सेट हो चुका है। अब आप क्रीम इसमें डालें। पूरे में अच्छे से फैलाएं। अब आप इसे पैनल नाइफ से पूरे में अच्छे से सेट कर दें। क्रीम को अच्छे से सेट कर लिया है। अब आप इसमें बचा हुआ चूरा हल्का सा डालें, जो बिस्किट का चूरा बचा के रखा था ना गार्निशिंग के लिए, वो इसमें थोड़ा सा डाल दें। कुछ कटे हुए आम के पीसेस डाल दें। इन्हें हल्का सा चम्मच से प्रेस कर दें। अब आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दें। डेजर्ट अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैं आपको कट करके बताती हूँ। आप एक नाइफ ले लें और इस पे कट लगा दें पहले। पूरे डेजर्ट पे कट लगा लिया। अब मैं आपको निकाल के बताती हूँ। देखिए बहुत ही आसानी से ये पीसेस निकल आता है। आप इसे प्लेट में निकालें और ठंडा ठंडा सर्व करें। बहुत ही क्रीमी बनता है ये। बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी डेजर्ट बनकर तैयार हुआ है। देखिए जो इसमें बिस्किट की लहर आती है ना, बहुत ही यम्मी लगती है। आप भी बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें।